बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय से भर्ती जो है वह जारी कर दिया गया है। 1000 पदों पर भर्ती जारी किया है, जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती, टीजीटी और अन्य भी कैटेगरीज में यह विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कि कितने पदों पर विज्ञापन जारी किया है। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में टोटल 6414 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। 6414 सीटें कम नहीं होती हैं, केंद्रीय विद्यालय में यह काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है वह 5 दिसंबर से शुरू होगा और 26 दिसंबर तक इसमें अंतिम तिथि रहेगी आवेदन करने की। पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है वह वैकेंसी का पूरा बता दिया गया है। पीजीटी का जो भर्ती है उसमें जो कुल पदों की संख्या है, यहाँ पर 1409 पदों पर टीजीटी की जो वैकेंसी है वह निकाली गई है। काफ़ी पद है इसमें, देखिए हिंदी के जो टोटल पद है 172 और इंग्लिश के 158 के 135 पद है और केमिस्ट्री के 167 और मैथ के जो है 184 काफ़ी पद है। बायोलॉजी के 151 पद है और हिस्ट्री में कुल 63 पद हैं। हिस्ट्री में आपकी यूपी में जो भर्ती आई है उसमें भी कम पद निकले हैं और यहाँ पर केवीएस में भी हिस्ट्री में पीजीटी में काफ़ी कम पद है, जिसमें 63 पद ही हैं। यहाँ पर देखिए भूगोल ज्योग्राफी में 70 पद हैं, इकोनॉमिक्स में 57 पद, कॉमर्स में 66, कंप्यूटर साइंस में ठीक पद है 142। तरह से पीजीटी में कुल पदों की संख्या 1409 है, जो काफ़ी ज़्यादा पद है। अब बात करते हैं टीजीटी में पदों की संख्या का। तो टीजीटी में जो टोटल पद है वह 3176 पदों पर टीजीटी की भर्ती निकाली गई है, जिसमें हिंदी के 377 टोटल पद हैं, इंग्लिश के 401 पद हैं, संस्कृत के 245 और सोशल स्टडीज़ के 398। इसमें भी पदों की संख्या अच्छी खासी है, सोशल स्टडीज़ के 398, चूँकि इसमें फॉर्म तो ज़्यादा ही पड़ता है। मैथ में यहाँ पे 426 है और साइंस में 304। इस तरह से कुल मिलाकर टीजीटी में सीटों की संख्या अच्छी खासी है। लाइब्रेरियन के भी टोटल 355 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और प्राइमरी टीचर म्यूजिक, प्राइमरी में म्यूजिक टीचर के लिए भी 303 अलग से पद निकाले गए हैं। जो भी म्यूजिक स्टूडेंट होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए अच्छी खबर है कि 303 पदों पर उनके लिए वैकेंसी है जारी की गई है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी खासी संख्या में यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसका एग्ज़ाम जो है वह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और जो महिलाओं का है बम्पर उम्र में छूट दी जाती है। केवीएस की भर्ती में महिलाओं को बम्पर छूट मिलती है, 10 साल की किसी भी कैटेगरी की महिला है उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। तो इस तरह से महिलाओं के लिए ये अच्छा सुनहरा मौका है, इतने सारे पदों पर वैकेंसी निकली है, अपने कड़ी मेहनत से एक सीट इसमें हासिल कर सकते हैं। केवीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें ही बेस्ट होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही केवीएस विद्यालयों में चलता है और उसी से ही आपके सारे प्रश्न बनते हैं। आप एक प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए और उसमें देखिए कि कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बाद से ही आपकी तैयारी सही तरीके से हो पाएगी। तो इधर उधर भटकने की अपेक्षा आप एनसीईआरटी की बुक ही लेकर तैयारी शुरू कर दें, तो जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसमें अपेयरिंग वाले कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ सीटीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ही अपेयरिंग वाले सीटीईटी अपेयरिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन में पूरा रिजल्ट जिसका जारी हो गया होगा वही कर सकता है और पीजीटी के लिए भी रिजल्ट जारी होने के बाद ही वह आवेदन कर सकता है। और सीटीईटी का जो जूनियर लेवल का पेपर है वो जो क्वालिफाइड होगा वही टीजीटी के लिए आवेदन के योग्य होगा। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।